आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी पेशेंट्स को अपनी डाइट में किन फूड प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट ही हमारी किडनी को हेल्दी रखती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप हेल्दी फूड का ही सेवन करें। इसलिए आज हम आपको ऐसे फूड प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिनका सेवन किडनी पेशेंट को ज़रूर करना चाहिए। फर्स्ट है, किडनी पेशेंट्स एग के वाइट पार्ट का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी किडनी को हेल्दी बनाए रखते हैं। लेकिन एग योक में हाई फॉस्फरस होता है, इसलिए किडनी पेशेंट को इसकी मनाही होती है, लेकिन किडनी पेशेंट एग के वाइट पार्ट का सेवन कर सकते हैं। सेकेंड है, ओमेगा 3 एसिड वाले फूड प्रोडक्ट का ही सेवन करें। ओमेगा 3 एसिड आपके बेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसका सेवन वीक में 2 बार कर सकते हैं। थर्ड है, ब्लूबेरीज का सेवन करें क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है और इसमें ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी किडनी को हेल्दी बनाते हैं। ये डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम से भी आपको सेफ रखता है। ये किडनी के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें पोटेशियम और फॉस्फरस कम मात्रा में होता है। फोर्थ है, कॉलीफ्लावर। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कई फाइटोकेमिकल्स कैंसर से बचने में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ये हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाते हैं। इसमें विटामिन के, विटामिन सी के साथ साथ हाई फाइबर भी होता है। कॉलीफ्लावर फॉलिक एसिड और विटामिन B6 का अच्छा सोर्स है। इसमें पोटेशियम कम पाया जाता है और किडनी के लिए कॉलीफ्लावर एक बेहतरीन फूड है। आप इसे बॉईल करके भी खा सकते हैं, यही नहीं आप कॉलीफ्लावर को दूसरी वेजिटेबल्स के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। कई किडनी पेशेंट्स को अपने खाने में सॉल्ट का लेवल कम करने में थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे में गार्लिक और अनियन एक अच्छी चॉइस है। किडनी पेशेंट इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये किडनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन बी और विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट पाइनएप्पल, मशरूम, ग्रीन बेरीज का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये किडनी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखते हैं। किडनी पेशेंट्स ये खास ध्यान रखें कि वो कम सोडियम वाला खाना खाएं। इसके लिए किडनी पेशेंट इलायची, दालचीनी और मिर्च का सेवन कर सकते हैं। इसी तरह आप कम पोटेशियम वाला खाना खाएं, जैसे कि एप्पल, राइस और गार्लिक का सेवन कर सकते हैं। किडनी पेशेंट्स वेजिटेबल्स में लौकी, गोभी, कद्दू, परवल का सेवन कर सकते हैं और वो सैलेड में ककड़ी, खीरा, कैरेट और अनियन भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किडनी पेशेंट्स कौन से फूड प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। जी मैम, आपका कब से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से? सर 3 महीने से चल रहा है, 18 मार्च से चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, और उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं क्योंकि उनका पहले काफ़ी कैटरीना में और यूरिया में काफ़ी फर्क था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। उनका डायलिसिस जो हफ्ते में 2 बार होता था, मतलब फिर हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर 15 दिन में हो गया, ऐसे करते करते मतलब बहुत फर्क पड़ गया उनको। अब तो उनका डायलिसिस बंद है 1.5 महीने से, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिजिकली फिट है? हाँ जी फिट है। यूरिन कैसे आ रहा है? यूरिन बिल्कुल पास हो रहा है, अच्छी तरह पास हो रहा है। ठीक है जी, ये तो रही पेशेंट की बात, और अब हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो इनकी रिपोर्ट्स हैं हम देख सकते हैं, इसके अंदर इनका जो GFR है वो इनका अप्रॉक्सीमेटली 15.7 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं। किडनी का जो साइज़ है, दैट इज़ राइट किडनी इज नॉर्मल इन साइज़ एंड लेफ्ट किडनी इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन साइज़, दोनों किडनी का साइज़ भी नॉर्मल है।